Assalamu alaikum everybody, Ramadan Mubarak. Today I'll be sharing three very easy iftar recipes with you all. Firstly, I'll be making sivai. It's a sweet dish which is made out of vermicelli. So let's begin. Sivai banane ke liye maine yahan par khula tel liya. Like it's a mixture of refined oil and ghee. Us pe maine ek bay leaf dala, that's tez patta. और दो इलायची, ग्रीन इलायची और तीन से चार लौंग डाला. उसको आप अच्छे से तरह थोड़ा सा भून लीजिए. भून लेने के बाद मैं यहाँ पर हैंडफुल ऑफ चॉप्ड कैशू जो बादाम है वो डाल दी. उसके बाद मैंने किशमिश डाला. इसको भी आप थोड़ा देर ही इसको भूनें, ज़्यादा देर नहीं. उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे, ये होता है वेरी बहुत ही बारीक है ये सिवाई. ये ऑलरेडी भुना हुआ होता है लेकिन फिर भी आप अपने हाथों से थोड़ा सा यू नो इसको मसल लीजिए. उसके बाद इसको ब्रेक कर लीजिए, बेसिकली लंबे लंबे होते हैं. और इसको आपको भूनना है, जस्ट कीप स्टेयरिंग. और यहाँ पर मैंने देसी घी डाला, करीबन एक टेबल स्पून ही होगा जितना मैंने डाला है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑयल में डाल के रखा हुआ था. आपको इस स्टेज तक ला के इसको भूनना है, इसको कम्प्लीटली इसका कलर चेंज कर देना है, तभी ये बहुत अच्छे बनेंगे. अदरवाइज़ इसका टेस्ट बहुत अलग ही हो जाता है. यहाँ पर मैंने करीबन एक कप चीनी लिया हुआ है, आप उसको भी डाल के इमीडिएटली यहाँ पर पानी ऐड कर लेना. पानी जितना मैंने सिवाई लिया हुआ है उससे ज़रा सा कम चाहिए, उतना पानी लेना. आप इक्वल अमाउंट लेंगे तो ये थोड़ा सा ना सॉगी हो जाता है. तो ज़रा जो है ना, क्योंकि बहुत बारीक सिवाई होते हैं, ज़्यादा मोटे नहीं होते, एकदम बारीक होते हैं ये. तो इसको आपको फर्स्टली याद रखिए, क्योंकि इसको आपको भूनना बहुत है. इसको एकदम ब्राउन कलर, इसका कलर गोल्डन कर लेना है, उतना भूनना है. उसके बाद इसका जो रेशियो है, आप जितना सिवाई लेंगे उससे थोड़ा सा कम इसका पानी होना चाहिए. उसके बाद इसको आप थोड़ा सा यू नो पहले बॉयल आ जाए, जैसे पानी में बॉयल आ जाए, उसके बाद आप इसको सिम कर लीजिए. इसको सिमर पर पकाइए और इसको करीबन 5 से 6 मिनट आपको पकाना ही है. जितना पकाएंगे उसके बाद ये फ्लफ़ी होता है, ये बिल्कुल भी चिपकते नहीं है एक दूसरे से. ये बहुत अच्छा खासा, ये बहुत ही बहुत जल्दी बन जाने वाला एक ऐसा इफ्तार रेसिपी है. सिर्फ ये इफ्तार रेसिपी नहीं है, घर में कोई मेहमान आ जाए या कुछ आ जाए तो आप इसको ईज़िली सर्व करके दे सकते हैं. देखिए मैंने करीबन इसको 5 मिनट तक पकाया हुआ है. उसके बाद इसको और थोड़ा देर मैं और दम पर छोड़ूंगी. इस पर पानी थोड़ा सा है, अब मैं इसको और थोड़ा देर दम पर छोड़ूंगी. मैंने करीबन इसे 1 से 2 मिनट के लिए दम पे छोड़ा. देखिए ये रेडी है, अब कोई ज़रा सा भी इसमें पानी भी नहीं है, पूरा डन है. ये बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक बन जाने वाली ये ऐसी रेसिपी है जो जैसे शॉर्ट नोटिस पे अगर आपको आपके पास कोई आता है तो आप इजीली बना सकते हैं. अब जो दूसरा रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ ये है दही वड़े. ये माश की दाल है जिसे मैंने करीबन 4 घंटे के लिए भिगा के रख दिया हुआ था. अच्छे तरीके से धो के इसे भिगा के रख दिया हुआ था. अब दाल भिगाने के बाद अब जो सबसे पहले हमें चीज़ करनी है वो है हमें अपनी दही को टेम्परिंग करना है, तड़का देना है. जैसे इस पे मैंने करीबन 1 टेबल स्पून भर के तेल ले लिया. उसके बाद 4 सूखी मिर्ची को मैंने ऐसे तोड़ के इसको डाल दीजिए तेल पर. पहले सूखी मिर्ची डालिए, उसके बाद मैंने करीबन 1 टीस्पून भर के नहीं सरसों का दाना यूज़ किया. उसके बाद 1/2 टीस्पून ज़ीरा यूज़ किया और 1 टीस्पून भर के मैंने हींग यूज़ किया हुआ है. हैंडफुल ऑफ करी लीव्स यूज़ किया हुआ है. इसको आप थोड़ा सा देर इसको अच्छे से खुशबू जब तक आ जाए तब तक आप उसको पका लेना है. थोड़ा देर इसको सॉटे कर लेना है. उसके बाद जो हम करेंगे ये जो टेम्परिंग को हम अपने दही पे, दही को मैंने पहले से बीट करके अच्छे से रखा हुआ है, उसको अब मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी. तड़के को मैं डाल दूँगी दही में, आप इसको डाल लीजिए. और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो ऐड किया हुआ अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसका खुशबू जाना चाहिए, कड़ी पत्तों का खुशबू दही में आ जाना चाहिए. थोड़ा सा नमक डाल लीजिए. उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से फिर से मिक्स कर लीजिए. नमक डाल देने के बाद मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर यूज़ किया हुआ है, ये करीबन 1 टीस्पून ही है, उसको आप डाल लीजिए. इसके बाद हमारा ये जो दही है वो बन के तैयार है, तड़के वाली दही बन के तैयार है. अब ये है मैंने यहाँ पर एक ये है आम अदरक है, ये जो
पता नहीं आप लोग को पता होगा कि नहीं पता होगा, एक अदरक में और एक वैरायटी आती है, वो है आम वाली टिप फ्लेवर की होती है ये। आम अदरक मैंने एक इंच का टुकड़ा लिया, उसको आप दरदरा से कूट लीजिए, फाइन पेस्ट इसका बनाना नहीं है। उसके बाद मैंने फिर से एक इंच का अदरक टुकड़ा, जो नॉर्मल अदरक होता है उसका टुकड़ा लिया, इसको भी फाइन पेस्ट नहीं करना है, बस दरदरा सा कूट लेना है। ये माश की दाल को मैंने पहले से ही मिक्सी में अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लिया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पर करीबन एक टेबलस्पून भर के चावल की सूजी डाली, ये डाल लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा नमक और खाने का सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है वो भी एक टीस्पून डाल लीजिए। डाल के इसको अच्छे तरीके से फेंट लीजिए, जितना मिक्स कर सकते हैं उतना मिक्स कर लीजिए, घुमा घुमा के, थोड़ा ज़्यादा ही इसको मिक्स करना है। वो हो गया। उसके बाद अभी हमें इसके वड़े तलने हैं। मैंने मेरी मम्मी का हेल्प लिया, आई जस्ट आस्क हर जस्ट टू हेल्प मी आउट। तो वो अब वड़ों को ऐसे तल लेंगे, ऐसे जैसे तलते हैं यूजुअली, आप देख लीजिए इसका प्रोसेस, ऐसे ही इसको तला जाता है वड़ों को। शेप का कोई इशू नहीं है, ये टोटली आप पे है, आप इसको कैसे मोल्ड कर सकते हैं, कैसे इसका शेप दे सकते हैं। जस्ट बिकॉज मेरे मुझे थोड़ा सा यू नो, मुझे कैमरा होल्ड करना था तो मैंने मेरी मम्मी का हेल्प लिया। तो उसको आप बीच में ऐसे ऐसे टैप कीजिए और बीच में थोड़ा सा एक होल बना लीजिए, एक थोड़ा सा यू नो अपने उंगलियों से उसको दबा लीजिए। इसको आपको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस इसको नॉर्मल मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के ही इसको पकाइए। इसको एकदम यू नो ब्राउन होने तक का, जैसा हम लोग माश के दाल के जो वड़े बनाते हैं वो कलर नहीं लाना, उसके जस्ट पहले निकालना। देखिए सबसे बेस्ट तरीका दही वड़ा अच्छे बनने का जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। ये आपने इसको ऐसे निकाला, फिर पानी में छोड़ा, आपको गर्म पानी नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल वाटर वाटर में आपने अपने वड़ों को डाल देना है। डालिए, बहुत देर तक इसको पानी में रहने नहीं देना है, करीब मैक्सिमम 2 से 3 मिनट, बस उतना ही। उसके बाद इसको स्क्वीज़ आउट भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंदर से सॉफ्ट रहना ज़रूरी है। ज़्यादा स्क्वीज आउट नहीं कीजिए, हल्का सा बस इसको जैसे एक एक करके ड्रॉप करते जाइए तड़के वाली दही पे। सारा जो है सारे के सारे आप डाल दीजिए, ये नरम हो जाते हैं क्योंकि गर्म रहते हैं और उसके अंदर पानी जाता है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है ये। दही वड़े ऐसे ही बहुत ही सिंपल तरीके से दही वड़े बनते हैं, इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मेरा दूसरा रेसिपी भी ख़त्म है, डन है। थर्ड रेसिपी है सूखे चने, बस थोड़ा सा प्रिपरेशन चाहिए। ये काबुली चना होता है उससे बनता है। मैंने यहाँ पर दो तरह की चीज़ ली है, एक रिफाइन ऑयल और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, ये दो तेलों से बनती है, बहुत ही ईजी है ये भी। उस पर मैंने बहुत एक लार्ज साइज़ का अनियन लिया, जिसे मैंने थिनली स्लाइस कर लिया, मोटा मोटा ज़्यादा ना काटें, थिनली स्लाइस करें। ये कर लेने के बाद इसको भी आपको पूरा ऑलमोस्ट कलर चेंज होने तक, और उसके बाद जो डालेंगे हम उस पर एक टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है, आप वो डाल लीजिए। इसको अच्छे से यू नो पिंक कलर से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तब तक आपको उसको फ्राई करना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमेटोज को नॉर्मल चॉप कर लिया हुआ था, रफली चॉप है, उसको भी आप डाल लीजिए। इसको आपको बहुत ज़्यादा मशी होने तक कुक करना नहीं है, बस थोड़ा सॉफ्ट हो जाए उतना। उसके बाद यहाँ पर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर, उसके बाद मैंने ज़ीरा पाउडर लिया 1 टीस्पून, उसके बाद 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी लिया, वो उसको भी आप अच्छे से कुक कर लीजिए जब तक का इसका रॉ फ्लेवर ना चला जाए, उसको तब तक आपको कुक करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मसाले जल रहे थे तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद इसको मैंने इसको थोड़ा देर और कुक किया। अभी तक भी देखिए मेरे टमाटर गले नहीं हैं, ये नॉर्मल ही हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए हैं बस। वो उसको आप थोड़ा सा इसको सॉटे कर लीजिए, अच्छे से कुक कर लीजिए टमाटर थोड़ा सा गलने तक ही। देखिए मेरा टमाटर ऑलमोस्ट गल चुका है। अब इस पर मैंने जो डालना है वो है जो छोलों को डाल लेना है। छोलों को ये जो आप कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। और एक टिप है, अगर आपके छोले ज़्यादा हार्ड हैं, ज़्यादा जल्दी कुक नहीं होते हैं, तो आप उस पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए। मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा, एक बड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, वो डाल के इसको प्रेशर दे दिया। अब सबके प्रेशर कुकर का टाइमिंग अलग अलग होता है, तो आप देख लीजिए आपको कैसा करना है। उसके बाद मैंने करीबन 1 टीस्पून से ज़्यादा आमचूर पाउडर यूज़ किया एट दिस स्टेज, वो डाल लीजिए, बस डन है। इस पर और ज़्यादा कुछ भी नहीं गिरता है,
ये सूखे चने बहुत ही इजी और इफ्तार के लिए तो बहुत ही बेस्ट होते हैं, बहुत ही होलसम है ये बेसिकली। अब सॉल्ट थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए यहाँ इस स्टेज में। सॉल्ट वगैरह ऐड करने के बाद यहाँ पर आप बस थोड़ा सा धनिया पत्ता एट द एंड आपको डालना, अभी तो बिल्कुल भी नहीं डालना। अब छोलों के जो पानी थे उसको आपको डिस्कार्ड नहीं करना है, वो पानी में ही आपको उसको पूरा कुक करना है। थोड़ा सा पानी देके इसको ढक कर आपको इसको करीबन 5 से, जब तक ये सूख ना जाए, पानी पूरा सूख ना जाए तब तक आपको इसको कुक करना है। देखिए मेरा पानी ऑलमोस्ट जो है छोलों का सूख चुका है, आप इसको अच्छे तरीके से और थोड़ा देर भून। अब जो फाइनल इंग्रेडिएंट्स में अच्छे तरीके से इन्फ्यूज हो रहा है धनिया पत्ता, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, जितना डाल सकते हैं। इसको बारीक बारीक आप चॉप कर लीजिए और उसको डाल लीजिए धनिया पत्तों को भी छोलों पे। ये चने, सूखे चने जो होती हैं बहुत ही ईजी, बहुत ही क्विक, बहुत ही अच्छे टेस्ट करने वाली चीज़ होती है और बहुत अच्छी आपको भी लगेगी। प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिए और आपका इफ्तार बहुत अच्छा गुजरेगा अगर आप इतने अच्छे अच्छे खाने खाएंगे तो। आई होप आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आए, जस्ट गिव इट अ ट्राई।